मॉर्निंग। जेडी की डिजिटल क्लासेस में रिगार्डिंग जनरल इंग्लिश की जो क्लासेस हैं उनमें सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक जनरल इंग्लिश यानी इसको 6 से 12 के विद्यार्थी इजीली जिन जिन के टॉपिक इशू हैं, काफ़ी समय से पढ़ाई नहीं हो पाई है ढंग से और काफ़ी गैप रहा है बच्चों की पढ़ाई में, तो एज ए सेकेंड लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश को, उसका प्रैक्टिस भी छूट गया है। तो हम बहुत ही आराम से और एक एक पॉइंट को साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है बेटा, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम एग्जांपल्स यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किसका है, पास्ट टेंस का। ध्यान रखिएगा, आपको बताया जा रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट टेंस का, यानी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे आपको प्रेजेंट के चारों टेंस हो गए थे तब भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था। तो देखिए फर्स्ट क्या है, साथ साथ लिखते भी जाइए या फिर पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। मनीष ब्लैंक नॉट कलेक्ट द कॉइन येट इन या फिर लास्ट संडे। टिल लास्ट संडे, द प्रिंसिपल वाज टेकिंग द क्लास 12th taking the class full stop. He black inform, एक ये ही है ध्यान रखना, he black inform the students Rohit complain against me to the father yesterday. It blank rain for all day
बिफोर टू डेज इंडिया ब्लैंक गेट फ्रीडम इन 1947 मोहन ब्लैंक एंजॉइंग ऑनलाइन क्लासेज ऑफ इंग्लिश एट दैट टाइम इफ माई फ्रेंड ब्लैंक वर्क हार्ड ही वुड सक्सीड मोना इज माई फ्रेंड बट शी ब्लैंक नॉट गिव बट शी ब्लैंक नॉट गिव माई बुक एगो पुष्पेंद्र एंड हिज फादर परचेज ए न्यू कार बाय द बाय डेट लास्ट टाइम इफ रानू हैड नॉट पनिश्ड हर ब्रदर या हर सन ही ब्लैंक स्टॉप देयर। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, इनको आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पर है, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। वीडियो पॉज कर सकते हैं और वैसे समझ लो, एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई मिस्टेक हो तो उसको आप करेक्शन कर लेना वीडियो पॉज करने से पहले। मनीष ब्लैंक नॉट कलेक्ट द कॉइन टिल लास्ट संडे। द प्रिंसिपल वॉज टेकिंग द क्लास 12th। ही ब्लैंक इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। रोहित ब्लैंक कंप्लेन अगेंस्ट मी टू द फादर यस्टरडे। इट ब्लैंक रेन फॉर ऑल डे
बिफोर 2 डेज। फिर इंडिया ब्लैंक गेट फ्रीडम इन 1947। मोहन ब्लैंक इंजॉय आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी देखो। ऑनलाइन क्लासेज ऑफ इंग्लिश एट डैट टाइम, इसको इंजॉय कर लेना, एट डैट टाइम। इफ माई फ्रेंड ब्लैंक वर्क हार्ड ही वुड सक्सीड। मोना इज माई फ्रेंड बट शी ब्लैंक नॉट गिव माई बुक एगो। पुष्पेंदर एंड इज फादर ब्लैंक परचेज अ न्यू कार बाई डैट लास्ट टाइम। इफ रानू हैड नॉट पनिश्ड हर सन ही ब्लैंक स्टॉप देयर। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से आंसर फिल करते हैं इनके। यहां पर आएगा हैड नॉट, आंसर क्यों आया है वो बाद में बताएंगे, आंसर देख लो। हैड नॉट कलेक्टेड, ठीक है, वाज इन्फॉर्मिंग, फिर है कंप्लेन्ड, इट हैड बीन रेनिंग, गॉट एट डेट टाइम आ रहा है, वॉज इंजॉइंग, इफ माई फ्रेंड, इधर वुड आ रहा है तो इधर आएगा केवल वर्ग की सेकेंड फॉर्म, वुड प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इधर आएगा सेकेंड फॉर्म। मोना इज माई फ्रेंड बट, लेकिन शी डिड नॉट गिव, पुष्पेंदर एंड इज फादर, एट डेट लास्ट टाइम हैड परचेज्ड, इफ रानू हैड नॉट पनिश्ड हर सन वुड हैव स्टॉप्ड। ठीक है, ये इनके आंसर हैं। अब ये इनके आंसर क्यों हैं ये देखिए जरा। पहला है कि मनीष हैड नॉट कलेक्टेड, यानी मनीष ने कॉइन नहीं कलेक्ट किए थे फिर लास्ट संडे तक नहीं किए थे, पिछले संडे तक वो कॉइन नहीं कलेक्ट कर चुका था, तो इसलिए मनीष आएगा हैड नॉट कलेक्टेड। फिर प्रिंसिपल वाज टेकिंग द क्लास 12, ये आप शुरू यहाँ से देखो, वाज टेकिंग, तो जो वाज टेकिंग है यानी आपसे बोल दिया कि दो सेंटेंस है और एक सेंटेंस में जो वर्ब है वही वर्ब सेम उसमें आएगी, क्योंकि दोनों समान समय पर समान कार्य हैं, मतलब एक समय पर दो असमान कार्य समान टेंस में आएंगे। जैसे प्रिंसिपल वाज टेकिंग द क्लास, तो यहाँ पर जो है वाज टेकिंग, क्लास ले रहे थे, इसका मतलब वो बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे थे,
ही वॉज इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। रोहित ने कंप्लेंट किया मेरे यस्टरडे, तो पास्ट सिंपल के हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फिर फॉर ऑल डे, पूरे दिन, दो दिन पहले पूरे दिन बरसात होती रही या हो रही थी, तो समय के साथ सिंस फोर आ रहा है, तो हैड बीन रेनिंग। फिर ये तो एक भूतकाल का तथ्य है, तो द फैक्ट ऑफ पास्ट या पास्ट इवेंट, भूतकाल के जितने भी हैं उनके फैक्ट जो हैं, पास्ट इवेंट के फैक्ट, वो प्रेजेंट पास्ट सिंपल में आएंगे, तो इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। फिर एट डेट टाइम यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मोहन आनंद ले रहा था ऑनलाइन इंग्लिश की क्लासेस का उस समय। मेरे इफ मेरा दोस्त यदि कठिन मेहनत करता तो वह सफल हो जाता, या फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मोना मेरी दोस्त है लेकिन उसने पहले मुझे बुक नहीं दी, तो एगो के लिए पास्ट सिंपल वर्ब सेकंड फॉर्म, और वर्ब सेकंड पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड नेगेटिव सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद पुष्पेंद्र एंड हिज फादर हैड परचेज्ड अ न्यू कार बाय डेट लास्ट टाइम, यानी पिछले समय तक उन्होंने ये कार खरीद ली थी, यानी वो ये कार खरीद चुके थे। फिर देखो रानू हैड नॉट पनिश्ड, हैड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको मैंने इफ क्लॉज में बताया है, ठीक है भाई। आंसर मैच कर लीजिए, आई होप आपके सभी के ठीक होंगे। यदि डेली क्लासेस ले रहे हैं, समझ समझ के पढ़ रहे हैं, तो मुश्किल ही गलती होगी, और यदि आपको लगता है कि सर हमने तो पहले ही पढ़ लिया, सर हमने तो ये कर लिया, तो भैया आप गलत फहमी में हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यदि किसी का अभ्यास छूट जाता है, चाहे वो कितना ही विद्वान हो, तो वो उस बच्चे से कमी आका जाएगा जो अभी वर्तमान के अनुरूप कठिन कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे भी कम ही अनुरूप, उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें वर्तमान में जीकर ही आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हमने भूतकाल में बहुत मेहनत कर ली तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत कम रेयर स्टूडेंट होते हैं कि भाई जिनको एक बार पढ़ गया तो भाई बार बार दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की आवश्यकता ज़रूर होती है। आपसे यूँ नहीं कह रहा कि आपको कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है, आपको यदि जो कुछ आता है आप प्रैक्टिस लीजिए, हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन लीजिए इस प्रकार से। फिर जो नेक्स्ट है, When you entered the house, a thief blank be there. I was cooking food
when my wife blank watch TV. You entered a forest and blank see a lion. Mohan was playing cricket when his father blank come to see him. The children blank run out of the field, out of the garden before the gardener came. The SDM joined the public, joined the function after the flag after the after the constable blank hoist the flag. What blank Indian history last year? Bhola was नहीं, आवाज नहीं आएगा. भोला ब्लैंक भोला ब्लैंक
कंप्लीट हिज होमवर्क बिफोर नाइट. Then Akash and Nirmal blank A are true friend in their childhood. We did not know that some trees blank give oxygen either I will not give. Oxygen all time. तो ये 10 क्वेश्चन है, इन्हें आप पढ़ लीजिए ढंग से. पहला है, when you entered the house, a thief blank be there. I was cooking food when my wife blank watch TV. You entered a forest and blank see a lion. Mohan was playing cricket when his father blank come to see him. The children blank run out of the garden before the gardener came. Or the SDM joined the function after the constable blank hoist the flag. What blank Ramesh blank know about India history last year. Bhola blank complete his homework before night. Then Akash and Nirmal blank be two friend in their childhood. Or we did not know that some trees blank not give oxygen all time. तो ये आपको ध्यान में रख के थोड़ा हिंदी भी कर लिया करो इनका, जिससे और क्लियर से आपको समझ में आ जाए. तो पहला आएगा इसमें कि जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो बी का मतलब होता है इज आर एम वाज वर बीन बींग. ठीक है, ये इनका मतलब होता है. मेन तो ये रहता है इज आर एम वाज वर. तो यहाँ पर थीफ एक वचन है तो क्या आएगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं. और ये जब एंटर्ड है सेकंड फॉर्म कि व्हेन यू एंटर्ड द हाउस ए थीव वाज देयर. मैं भोजन पका रहा था जब मेरी पत्नी टीवी देख रही थी. ये सेम एक्शन है ना, दोनों समान. वॉज वॉचिंग टीवी, समान कार्य के लिए समान टेंस, मतलब समान टाइम पर किए गए कार्यों के लिए समान टेंस आएगा. यू एंटर्ड ए फॉरेस्ट, तुमने एक फॉरेस्ट में
प्रवेश किया और एक क्या देखा, लॉइन देखा। तो यहाँ सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म, दोनों एक ही है। मोहन क्रिकेट खेल रहा था जब उसके पिताजी केम अंदर आए उससे मिलने, टू सी हिम। फिर द चिल्ड्रन ब्लैंक, ये उसकी स्थिति बता रहा है ना, इसलिए सेकंड फॉर्म है। ये दोनों एक्शन बता रहे हैं, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ब है दोनों, ये भी एक्शन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये जो केम है वो सिचुएशन बता रहा है कि पिता जब आए तो वो क्या कर रहा था। चिल्ड्रन बिफोर से पहले, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड रन। बच्चे गार्डनर के आने से पहले ही भाग चुके थे। एसडीएम ने फंक्शन ज्वाइन किया है ना, कब किया, कांस्टेबल ने जब, क्या आफ्टर के बाद, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो आफ्टर के बाद वर्ग हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, होस्टेड किसके बाद, कांस्टेबल ने जब झंडे को होस्ट कर दिया था उसके बाद उन्होंने, उसके बाद उन्होंने आफ्टर द करने के बाद, यानी कांस्टेबल ने झंडे को फहरा दिया था बाद में, तब उन्होंने फंक्शन को ज्वाइन किया। तो सेकंड फॉर्म है, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आएगा व्हाट डिड रमेश नो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, पास सिंपल लास्ट ईयर, भोला वाज कंप्लीटिंग, पूरा कर रहा है, देन आ रहा है ना इसलिए। आकाश निर्मल, या बी है तो क्या आएगा, बहुवचन के लिए वर, बचपन में वो सच्चे मित्र थे। हम नहीं जानते कि सम ट्रीज डू नॉट गिव, ये फैक्ट है, हम नहीं जानते थे कि, ध्यान रखना, हम नहीं जानते थे कि कुछ पेड़ ऑक्सीजन, सारे समय ऑक्सीजन नहीं देते हैं, तो डू नॉट गिव आएगा। जो फैक्ट होता है, जो भी फैक्ट ये है कि सारे पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते सारी पूरे टाइम पे, ये फैक्ट है साइंटिफिक।